1300 रुपए किलो के हिसाब से जो भी बकरा चाहे तुलवा लें। जी जी, हाँ तुलवा के देंगे ये 1300 रुपए के हिसाब से। अच्छा, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि कोई भी जानवर अगर आप लेना चाहते हैं तो 1300 रुपए किलो में तुलवा कर आप ले सकते हैं। मतलब कोई वो है ही नहीं ना फिक्स प्राइस की 40,000 का 50,000 का है, तुलवाओ जितने का गोश्त बनता है आप ले लो। इस वक्त मैं और सभा मौजूद हैं हाजी रशीद वाटर पंप वाले, हाजी अरशद वाटर पंप वाले। इनका यहाँ पर एक फार्म है या एक प्लॉट है जिसके ऊपर इन्होंने बकरीद की कुर्बानी के जानवर इकट्ठे किए हुए हैं, और आज हम आपको इनके जानवर दिखाते हैं और उनके प्राइजेस दिखाते हैं। मेन रोड के ऊपर है, शाहराए पाकिस्तान के ऊपर, बिल्कुल ब्रिज के साथ ही है। आपको नजर अर्शी शॉपिंग मॉल के बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने है। हाँ। तो नजर आ रहा है ये सिर्फ एक ट्रेलर है। हाँ। ये जो बाहर नजर आ रहा है ये ट्रेलर है। आगे आगे देखिए होता है क्या, और अब हम अंदर जा रहे हैं देखने। फिल्म पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। ओह, आपको कोई टक्कर ना मार दे, हर साल की तरह इस साल भी। ये इनके पास हर साइज के हैं। भाई आपके पास किस रेंज से लेके किस रेंज तक का है? सर मेरे पास 40,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक का बकरा है। ये देखें आप, ये खड़ा हुआ सामने आप। ये बकरा जो है इसको दूध पानी भी गुड़ का पीते हैं, गुड़ का पानी पीता है ये। ये 1.5 लाख का बकरा है। कितने दांत का है भाई ये? दो दांत का ये बकरा है 1.5 लाख का। और इसमें अंदाजन कितना गोश्त होगा भाई? कम से कम 70 किलो गोश्त है जनाब। 70 किलो का बकरा बछिया की तरह लग रहा है। पीछे आ रहे, नहीं 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 नहीं, ये मेरे पीछे आया है। बहुत सारे वीडियो के बना रहे हैं। अरे बकरे बड़े क्यूरियस हो रहे हैं देखते हुए। अच्छा भाई अब छोटा कोई बकरा दिखाइए। ये बकरा है दो दांत का है ये। इसके सींग नहीं है ना? ये नस्ल कौन सी है, नस्ल भी बताएं, कीमत भी बताएं, ताकि हमारे व्यूअर्स जब देखें तो यहां पर आए। ये सर ये जो ना साहिवाल नस्ल है, ये साहिवाल नस्ल का बकरा है। और इसकी कीमत क्या होगी? 1800 रुपए पर के जी ये गोश्त बिक रहा है जी। मैंने तो आपको 40,000 बताया इसके, और 20 किलो इसके अंदर जो ना 18 किलो गोश्त है। अच्छा, तो यानी कि आप जो जो कीमतें बता रहे हैं जी जी, वो वजन के हिसाब से बता जी रहे हैं। जी जी, आप 1300 रुपए किलो मुझसे तुलवा भी सकते हैं कोई सा भी बकरा। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं कि 1300 रुपए किलो में के हिसाब से आप कोई भी बकरा तुलवा लें, वरना 1800 रुपए किलो बकरे का गोश्त तो चल ही रहा है। ये बकरा देखें आप कितना शैतान है। कौन सा वाला? सारे बकरे परेशान है मेरे, अगर मैं इसको खोल दूँ सबसे छोटा है। कौन सा? ये हैदराबादी जाबरा। अगर हम बाहर जा पहाड़ी है क्या? नहीं नहीं, हैदराबादी टाबरा है। हैदराबादी टाबरा बकरा ये आप देख सकते हैं, और ये इनका यहाँ का कहना है कि ये बहुत शरारती बकरा है, इसलिए इसको रस्सी से बांधा हुआ है। और इनका कहना है कि अगर इसको खोल दिया इनके पानी होते बंदर वालों के पास। हाँ बंदर वालों के पास। ओहो, तो आप है वो। हर रोज मैं बकरों से डरता था, आज सारे बकरे इनके पीछे पड़े हुए हैं। पता नहीं क्यों मेरे पीछे। आपने कुछ किया है? मैंने, मैं क्या करूंगा, मैं कोई बकरा हूं क्या जो मैं कुछ करूंगा। ये दुम्बा है मेरे पास। ये दुम्बा, ये तो बड़ा सीधा सा लग रहा है मुझे। ये कितने का है भाई? 60,000 रुपए। अच्छा, ये क्या किस, ये भी 1300 रुपए किलो के हिसाब से? अगर किसी को खरीदना हो तो 1300 रुपए किलो के हिसाब से कोई सा भी तुलवा लें आप। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि कोई भी जानवर अगर आप लेना चाहते हैं तो 1300 रुपए किलो में तुलवा कर आप ले सकते हैं। मतलब कोई वो है ही नहीं ना फिक्स प्राइस की 40,000 का 50,000 का है, तुलवाओ जितने का गोश्त बनता है आप ले लो। और अगर आप चाहें तो यहाँ आके इनसे 1300 रुपए में भी बार्गेनिंग कर सकते हैं, हो सकता है कुछ कम हो जाए। अच्छा भाई, अगर हमारी कोई वीडियो देखकर आपके पास आता है तो आप उसे कुछ कंसेशन देंगे? बिल्कुल देंगे जनाब, देंगे। 1300 रुपए इससे कितना हो जाएगा? 50 रुपए कम हो जाएगा पर केजी। तो यार मतलब ये कि 100 रुपए कम कर देंगे। ये बकरा जो है इसका साइज आप देखें भाई, इसका क्या वजन होगा? तो ये होगा कम से कम जो ना, ये इसमें गोश्त ही कम से कम 65 किलो है। 65 किलो? 65 किलो। अच्छा भाई, मसला ये है कि ये जो बकरे इस तरह पाले जाते हैं इनके अंदर चर्बी बहुत ज्यादा होती है। सर ये जो ना देसी माल है ना, और फिर ये दो दांत बकरे हैं ये। हाँ। वो जो दुकानों पर जो गोश्त बिकता है वो कट्टू माल होता है, यानी कि 15 किलो की रात 16 किलो की, ये तो भारी है। अच्छा ना? उस तरह के बकरे भी हैं? जी हाँ, मेरे पास बाहर वो जो खड़े में कट्टू माल है। चले उसको, 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 ये पीछे देखें जरा, बात देखिए, आप जहाँ जाते हैं वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है, फॉरेन फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है बकरों के दरमियान। ये देखें, ये दो
ये कौन हो सकता है? ये बड़ी हैरत से मुझे देख रहा है। ये देखिए बॉस के दुश्मन आपस में लड़ पड़े हैं और एक बार फिर। अच्छा भाई, ये बकरे हैं, इनका वजन कितना होगा भाई? ये होंगे 16 किलो। 16 किलो गोश्त इस बकरे में से निकलेगा। और ये बकरे जो हैं ये खालिस्तन पले हुए हैं, अच्छा सब भी खाने ही खा रहे हैं। और ये 16 किलो साया है और इनका साइज वो जो अंदर दिखाया था वो जॉइंट साइज है, ये उनसे बहुत छोटे बकरे हैं। मगर दुकान पे जो कुछ दिखता है ये वो है। अच्छा, जो दुकान पे कुछ दिखता है तो ये आप कितने तक दे देंगे? ये मैं दे दूंगा आपको 22 में 23 में। मतलब इनसे अगर बार्गेनिंग की जाए तो ये 17-18 हज़ार तक में ये बकरा दे देंगे? नहीं, 22-23 से कम में नहीं। सर ये दे रहे हैं हम 2,20,000 रुपये का। 2,20,000 का? और इसमें गोश्त कितना है? ये होगा कम से कम 4.5 मन। 4.5 मन का ये है। ये 2,10,000 रुपये में। इसमें कितना गोश्त होगा? 4 मन। ये 4 मन का है। 4 मन का है। और एक ये है और इसका 2,30,000 का ये बैल है। और उसका गोश्त कितना है? बैल का 3.5 मन। ये 3.5 मन का बछड़ा है। 3.5 मन का बछड़ा है और इनकी आस्किंग प्राइस है 2,35,000 रुपये। हाँ। नंबर है, अगर किसी को भी इनसे रब्ता करना है तो वो यहाँ आ सकता है। जी तो ये है हाजी रशीद साहब। हाजी अरशद साहब का फार्म हमने आपको दिखाया, आप यहाँ आइए। इन्होंने कहा है कि ये वीडियो देख के जो आएंगे इनके लिए कीमत कम करेंगे। हमने इनका नंबर भी दे दिया है, इनको कॉल करिए और अपना टाइम सेट करके किसी वक्त भी आ जाए। वैसे किस वक्त से किस वक्त तक होता है? 24 घंटे ऑनलाइन। 24 घंटे ऑनलाइन है। आप यहाँ से आइए और ख़रीद लीजिए। और बिल्कुल शहर के बीच में है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ बेतहाशा अपना पेट्रोल खर्च करके सोराब बोर्ड से आगे जाएं। रक्षा लाओ, बकरा डालो और ले जाओ। और अगर गाय है तो फिर सुजुकी लेकर आओ। चलिए ठीक है जी, इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरी है। क्यों बॉस? कल मैंने उठाई थी। अच्छा। चलिए ठीक है जी, अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।